Sri Ramesh Bidhuri to continue. Now zero hour. Sir, kal mein the requisition and acquisition of immovable property amendment bill 2017 ke upar charcha mein kar raha tha. आदरणीय हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्री साहब ने इस बिल को जो लेकर आए हैं, मैंने कल भी इसे संज्ञान में लाया था. आज ये लोग जो घर बचाने वाले खड़े हैं, इनके संज्ञान में लाने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ इस बिल के बारे में. ये बिल सर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश के डिफेंस के लिए जो जमीने एक्विजिशन के रूप में हम लोग एक्वायर करते हैं रिक्विजिशन के रूप में सेक्शन 3 के द्वारा और सेक्शन 7 के द्वारा जब उसकी पेमेंट करने की बात चलती है तो इन बिटवीन वो जुडिशियरी अगर मैटर हो जाते हैं तो जुडिशियरी मैटर के अंदर वहां पर उसकी व्यवस्था जमीनों की हो नहीं पाती है और देश की सुरक्षा में बाधा रहती है. और सरकार का अरबों करोड़ों रुपए वहां पर खर्च होता है. ऐसे कुछ केस भी हमारे सामने हैं जो 8-8, 10-10 हजार करोड़ के पैसे के रूप में लोग डिमांड रखते हैं. सर ये जो कानून के द्वारा अगर डिफेंस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए लैंड एक्वायर की जाती है तो कोई 1 एकड़ आधा एकड़ 2 एकड़ ऐसी जमीन एक्वायर नहीं की जाती. मैंने कल भी ये जानकारी में डालने के लिए कहा था. आज मेरे कांग्रेस के बंधु खड़े हुए हैं तो इनकी भी जानकारी में रहे. ये जमीनें जो एक्वायर की जाती हैं वो सैकड़ों में हजारों एकड़ों में जमीनें एक्वायर की जाती हैं. तो वहां पर कुछ इस प्रकार के लोग तमिलनाडु में जो शिवपुरी का केस आपके सामने है, पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से जो जमीन है उसके वहां किस फाइनेंस मिनिस्टर किस गृह मंत्री की जमीन आसपास में है वो किसे छुपी हुई नहीं है सर. इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस के सर. तो वो लोग क्या करते हैं जब ये नोटिस हम उसको रिक्विजिशन के लिए सेक्शन 3 का नोटिस देते हैं और उसके बाद नोटिस के बाद सेक्शन 7 का नोटिफिकेशन हम देते हैं उस जमीन को एक्वायर करने के लिए, तो कभी ना कभी नोटिसों का बहाना बनाकर ऐसे एप्लीकेंट लोग कोर्ट में चले जाते हैं और अदालतों में कहते हैं मुझे समय पर बताया गया नहीं. या सरकार ने इस जमीन को लंबे समय तक ये जो जमीन हम एक्वायर करते हैं कभी ना कभी एक्विजिशन के रूप में ले रखा होता है और उसमें कंडीशन होती है कि जमीन को जब सरकार वापस लौटाएगी तो इसी स्थिति में एज इट इज वापस लौटाएगी, ये उसमें कंडीशन होती है. लेकिन बाद में सरकार सोचती है कि जमीन को हम अधिकृति करने खरीद लें, इन बिटवीन वो नोटिस का बहाना बनाकर और उस जमीन में कोर्ट में लंबित में चले जाते हैं और देश में किस प्रकार के नेक्सिस पैदा करती रही है पिछले 70 साल के राज में. ये कांग्रेस के लोग इससे छुपा हुआ नहीं है. वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला आपके सामने है सर, कोल घोटाले का सामना आपके सामने है, आदर्श सोसाइटी घोटाले का केस आपके सामने है. इस प्रकार के जो स्कैम होते थे इन स्कैमों से बचने के लिए उस जमीन को सरकार टेक ओवर कर ले. टेक ओवर करने के बाद उस सरकार उस जमीन के पैसे देगी लेकिन जब का नोटिफिकेशन होगा 15 साल तक जानबूझकर जुडिशरी में केसों को लटका कर लंबित डालकर लोग कि अगर वो जमीनों का पैसा मिल जाएगा तो ब्लैक मनी को वो लोग रखेंगे कहाँ. वो समझते सेफ हमारे पास में है, कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर कर देगा सरकार से तब के रेट के पैसे. 15 साल 12 साल रेट के जो वो पैसे मांगते हैं तो सोचेंगे हमें पैसे मिल जाएंगे. तो इस प्रकार से सरकार को जो अरबों रुपए का चूना लगता है जो देश के विकास में लगना चाहिए उससे बचने के लिए बिल लाया गया है सर. तो उस पैसे के बदले में जो नोटिफिकेशन के टाइम कीमत थी अभी भी सरकार उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैटर्न पर जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट होता है अगर मैं आज फिक्स डिपॉजिट कोई जमा कराऊं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बिल के माध्यम से वो पैसा उसको मिलेगा. वरना मेरे बंधुवर अपोजिशन के लोग ये भी शोर मचाएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सरकार तानाशाह के रूप में इस बिल को लेकर आ रही है. मैं आपको एक दिल्ली का एग्जांपल देता हूं सर. 2005 में एजुकेशन कंपलसरी एक्ट आया था. आज भी देश में वो कानून है कि एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत की जमीन सरकारी जमीन दिल्ली के वाइस चांसलर ने 4 चिट्ठी उनको लिखी. दक्षिणी दिल्ली के अंदर कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है सर. 70 साल देश को आजाद हो गए, ये लोग राज करते रहे, पिछले 10 साल में इनकी सरकार थी और दिल्ली में एक नया कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं खोला गया सर. लेकिन माने प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से अगर लड़कियों को सम्मान मिलेगा उनको एजुकेशन मिलेगी तो कॉलेज खुलना चाहिए. वाइस चांसलर सर 2-2, 3-3 चिट्ठी लिख चुका है सर. मैं मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुका हूँ लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री आज तक उस जमीन को कॉलेज बनाने के लिए नहीं दे रहा और वो जमीन ग्राम पंचायत की जमीन है, गांव वालों की जमीन है.
इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो ये कानून ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए, इस प्रकार से नैरो माइंडेड जो लोग हैं, जो देश के साथ, देश की संपदा के साथ, देश की जनरेशन के साथ सौदा करने वाले लोग होते हैं निजी स्वार्थों के लिए, उन स्वार्थों से हटाकर ये बिल को लाया गया है। इसी प्रकार के और मेरे पास एग्जाम्पल है सर, हमने एक गांव आदर्श गांव गोद लिया सर, उसको एक आदर्श गांव बनाने के लिए जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक सैंपल के रूप में कुछ गांवों का विकास होगा, उन गांवों का विकास होगा तो निश्चित रूप से उसको देखकर लोग और अपने गांवों का और स्वच्छ वातावरण बनाते हुए वहां पर उसी प्रकार के वातावरण में जीने के लिए लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन वहां पर कोई लड़कियों का स्कूल खोलना है, वहां पर कोई बच्चों के छोटे पढ़ने के लिए कम्युनिटी सेंटर, बच्चों की शादी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना है सर, कोई बैंक की पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खोलनी है, तो सिसोदिया साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो डिप्टी वो डेवलपमेंट कमीशन से बोलती हैं, जो वहां पर डीसी थी वो डीसी मेरे से कहती है विधुड़ी साहब मैंने कहा मैं इसके घर पे जाकर धरने पर बैठ जाऊंगा जमीन नहीं देंगे तो, वो मेरे से कहती है कि विधुड़ी साहब छोड़ो इसमें राजनीति मत करो मैं दिल्ली की सरकार से। सर ये इससे रिलेटेड चीजें हैं, ये कानून क्यों लाया गया, वरना बाद में बहुत लोग शोर मचाएंगे। ये कानून तो लाया जा रहा है लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए, ये कानून लाया जा रहा है सर देश की संपदा को बचाने के लिए, देश की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं इस बिल के ऊपर बोल रहा हूँ सर, इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ सर। तो डीसी कहती है मैं बात कर लूंगी चीफ डिप्टी सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब उससे कहते हैं बिदूड़ी से कहो डीडीए से जमीन ले ले, वो डिप्टी वो डेवलपमेंट कमिश्नर कहती है कि ये इतनी छोटी सोच के लोग होंगे विदुड़ी साहब, मैं तो इनके नीचे नौकरी नहीं करूंगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट मांगे डीसी नौकरी छोड़कर वहां से डीसी की सर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे इस देश को बर्बाद करने वाले ये जो खड़के जी की टीम के लोग खड़े हुए 70 साल से, ऐसे लोगों से इस देश को बचाने के लिए इस लॉ के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से अब डिज्नीलैंड या जीजा साले को जमीन अलॉट करने का प्रोविजन नहीं है, ये जमीन केवल देश की डिफेंस के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए ऑब्लाइज करने के लिए बिल है, ना कि ये कहीं जीजा को जमीन अलॉट की जाएगी उस काम के लिए बिल नहीं है सर। तो इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को भी कि देश में जो प्रधानमंत्री की सोच रही है कि देश की सीमा है सर, एक मिनट सर माननीय प्रधानमंत्री की ये योजना योगी हमारे मंत्री जी की कि इस बिल के माध्यम से हम देश के नौजवान और देश की सीमा पर किसी प्रकार का भी समझौता नहीं करेंगे, ऐसे कड़े फैसले लेंगे, इस बात को लेकर इस बिल को लाया गया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।